यार कितना अच्छा लगता है अपनी माँ के लिए खर्चा करने के लिए, क्योंकि घर जाके माँ गाली नहीं देगी। मेरी मम्मी बोली बहुत अच्छा बेटा और ट्रैवल करो। मेरी मम्मी ऐसा नहीं बोलती। I'm so glad I decided to come to Doha Qatar in the beginning of 2019. यहाँ पर आके जो मुझे खुशी मिली मैं बता नहीं सकता। आप मेरे व्लॉग में एनर्जी लेवल और खुशी तो देख ही सकते रहोगे। आज हम लोग का टेक्निकली आखिरी दिन है, बल कल लेट नाइट की फ्लाइट है, लेकिन कल लेट नाइट की फ्लाइट है, मुंबई पहुंचेंगे, पहुंचते दिन हो जाएगा, फिर व्लॉग शायद लेट आएगा। तो लेट्स मेक इट आज आखिरी दिन है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपको पता है मेन खुशी क्यों है? क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ व्हाट आई लव टू डू द मोस्ट, स्लीपिंग, गेटिंग अप, लिटिल बिट वर्किंग आउट, स्टार्टिंग माय डे विद द कैमरा, व्लॉगिंग द एंटायर डे, ट्रैवलिंग, कमिंग टू बैक टू द होटल, एंडिंग द व्लॉग, एडिटिंग एंड स्लीपिंग एंड देन गेटिंग अप एंड रिपीट। इंडिया में रहता हूँ ना, इतना स्ट्रेस रहता हूँ ना, शानिस को पूछो, ऑक्यूपाइड रहता हूँ पूरा टाइम, टाइम ही नहीं मिलता, ट्रैफिक में फंसा रहता हूँ, मम्मी को मिलने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता, कैसे कैसे करके वर्कआउट करने का टाइम निकालता हूँ। फिलहाल तो मॉम और वसीम अच्छा खासा काम संभाल रहे हैं, लेकिन क्या लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो वापस जाके इंचार्ज तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो इंडिया मुंबई में ही है, और अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो जो अभी अपना सपना पूरा कर रहा हूँ, कैमरा लेके व्लॉग कर रहा हूँ, स्ट्रेस एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वो और ग्यारह बार कैसे कर पाऊंगा सिर्फ ये साल के लिए, अगले साल शायद डबल हो जाएगा, क्या पता, यू नेवर नो। ओके, अकेला बॉस, संन्यास ले लूंगा मैं 2020 में, क्योंकि तू कॉफी शेयर नहीं करती, क्या तेरी लिपस्टिक लगी, मुझे नहीं पीनी। सो मी एंड शानिस वी आर इन कॉर्निश, अभी हम लोग यहाँ पर एक बोट राइड लेने वाले हैं। प्लान तो था रात में लेने का, क्योंकि रात में बहुत खूबसूरत दिखता है पूरा ये जो बे है, लिट अप रहता है, लेकिन रात में इतनी ज़्यादा ठंडी और विंडी होता है ना कि फट जाती है, तो हम लोग दिन में लेंगे ये। बोट राइड के बाद हम लोग जाएंगे म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। जाएगा बोट में आप? कितने महीने जाएगा? 15 मिनट, आधा घंटा, इतना हिस्सा भेज, आधा घंटे का कितना? 100 रियाल। सो 15 मिनट का 50 रियाल फॉर बोथ ऑफ अस एंड आधा घंटे का 100 रियाल फॉर बोथ ऑफ अस। सो आई एम गोइंग फॉर हाफ एन आवर, बिकॉज 15 मिनट लेके कोई मतलब नहीं है, इतना खूबसूरत व्यू दिखेगा तो 15 मिनट में क्या मजा आएगा, तो आधा घंटा लो। ऊपर जा सकते हैं ना, ऊपर वाले में? okay, हाँ। बाद में चलो शानिस, यू अरे डरती क्या है यार, शानिस का प्रॉब्लम हमेशा डरती है, तो पानी भी नहीं है खेरा इतना, इधर कुछ नहीं है, कोई नहीं गिरता यार। ये मैं पहले दिन लेने वाला था, लेकिन पहले दिन टाइम नहीं मिला और मुझे रात में लेना था सेट, तो ये देखो बस पूरी बोट अपनी है और इसमें म्यूजिक व्यूजिक भी बसता है। शानिस मानो इधर को, तू डरती क्यों है? लेकिन यार इधर सो इजी, बिना बात पे डरती है लड़की। इट्स इजी, बट माय गोल आई इंक्रीज द एक्साइटमेंट विद इन मी। दैट बोट हमारे लिए अकेले, हां सो हम कुछ तो म्यूजिक भी बजवा सकते हैं, लेकिन म्यूजिक नहीं बजवाएंगे क्योंकि हम लोग को व्लॉग करना है, व्लॉग करेंगे तो म्यूजिक बजेगा। आई फील लाइक अ शिखा गोइंग अप शिखा पर डालो ऐसे। आ जा शानिस, ऊपर से व्यू थोड़ा अच्छा दिखता है, बेटर दिखता है, ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ऊपर से। ये मेरा बैक पास कर। ये वैसे तो एकदम सिंपल सी बोट है, अगर आपको चाहिए आप थोड़ी फैंसी बोट भी ले सकते हो, थोड़ी बड़ी रहती है, उसमें भी इतना ही पैसा लगता है, लेकिन ऊपर थोड़ा बेटर रहता है। ये क्या, अगर ज़्यादा वेट डालेंगे तो ये टूट सकता है? वैसे हम लोग वेट नहीं डालेंगे, हम लोग बीच में खड़े रहेंगे, मेक श्योर करेंगे शानिस गिर मत जाना, उधर पानी गहरा है। जो आइलैंड आपको दिख रहा है इसका नाम है पाम आइलैंड, एंड गुड टू नो स्टफ, निखिल का मतलब अरबिक में होता है पाम ट्री, नखिल आई गेस, ये वाला। बैक साइड ऑफ शेरेटन होटल, नाउ बिलीव इट नॉट हम लोग ये होटल लेने वाले थे एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, लेकिन नहीं लिया, लास्ट पॉइंट पे डिसीजन चेंज किया, बिकॉज जो होटल हम लोग अभी रह रहे हैं उसका प्राइस काफ़ी कम है इसके डिस्काउंटेड प्राइस से भी, और पैसा बचाना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था, बिकॉज यहाँ हमारे खर्चे ही इतने ज़्यादा हो गए, और जब रूम में ज़्यादा रहना ही नहीं है तो खर्चा क्यों करने का। लेकिन अभी ये देख के लग रहा है कि शायद गलती हो गई। नहीं, सेंट रिचेस का भी ऑप्शन है हमारे पास नेक्स्ट टाइम के लिए। This is like a boat shaped kind of a museum or a restaurant also. आप यहाँ पर आके खाना खा सकते हो अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा है तो, काफ़ी लग्जरी फील होता है। लेकिन अगर आपको बजट में काम चलाना है तो ये वाली बोट लो, इस पर कॉफ़ी पियो बाद में उतर के, वो कॉस्टा में थोड़ा सैंडविच खा लो, वो बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप पैसा है तो ये वाला, बजट है तो ये वाला। और ये हमारी बोट यात्रा खत्म हुई, बच गया अभी इसको ट्रिप होके गिरता। चल चल मजा आया, वर्थ इट ना? मुझे पता नहीं अब दोहा कतार के क्या करते हो, लेकिन ये बोट राइड जरूर लो, है ना? 15 मिनट के लिए मत लो, 1 घंटे के लिए मत लो, हाफ एन आवर इज द राइट डील। ये लो, क्या यूट्यूब पे डालूंगा। थैंक यू भैया। इट्स लाइक डूइंग मेडिटेशन।
की जो आवाज़ है ना सुकून देती है, ध्यान से सुनना। है ना, इतनी शांति जब आपकी लाइफ में आती है ना तो आपको जो करना है लाइफ में एकदम क्लियर हो जाता है। अभी बैठे बैठे मुझे समझ में आ गया मुझे आगे क्या करना है। आई गॉट अ ब्रिलियंट आइडिया व्हाट आई वांट टू डू इन द फ्यूचर। शानिस सुनेगी? आप लोग बाद में सुनाता हूँ। How are you, Munir? How are you doing? You came very late today. Munir is coping up with our work. Munir is stressed. Munir is like, oh my God, Nikhil is crazy. Every day he's out. I can't cope up with this stress. I have to work. I have to work hard. I have to come. I have to meet Nikhil. And Nikhil is not wearing seatbelt. Can you see this light? It's from the moon. I know camera is not doing the justice and you guys won't understand, but moon in Qatar is usually bigger because you are close to the equator. इसलिए ठंडी ज़्यादा पड़ती है ठंडी के टाइम पे और गर्मी ज़्यादा पड़ती है गर्मी के टाइम पे। और जिनको नहीं मालूम है, because earth is tilted 22 degrees, इसके लिए समर और विंटर सीजन आते हैं। तुझे पता था बात? तू बस कोरियन शो देख। मैं बोल रही थी मैं तेरे को अच्छे अच्छे आइडियाज देती हूँ कंटेंट के लिए। मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तू सोचता है शानिस ने पूछा तो सब पूछ लेंगे, है ना? हाँ करेक्ट। cracked, Shanis is cracked. Museum of Islamic Art में कैमरा यूज करने की परमिशन नहीं थी, जस्ट केम आउट ऑफ इट। बहुत ही अच्छा, तुझे कैसा लगा? अच्छा था, जैसा 7 साल पहले था वैसा ही, थोड़ा और डेकोरेशन बना दिया। अभी हम लोग आए हैं सूक वाकिफ खाना खाने के लिए। आज मैं बहुत कम कॉफी पी रहा हूँ, सो मुझे इसके लिए लाइक चाहिए, बहुत अप्रिशिएटेड। संगत का सर, सिर्फ एक कॉफी पीने सुबह से, बस और कोई कॉफी नहीं पी। मैं कॉफी पीऊंगा भी नहीं, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 3-4 ग्लास पीऊँ अभी दिन के। One more. वो देख कुएं से पानी निकल रहा होगा। Interesting. You commented on the vlog. No, I'm not yet. But I was thinking that I will comment. So we made. You need to comment. What's your name again? Ashik. Ashikur Rahman. I made a subscriber from Bangladesh. Where are you from, Bangladesh? I'm Bangladesh from Chittagong. Chittagong. I visited Dhaka. Chittagong visit नहीं किया. तो life में मौका मिला Chittagong में visit करेंगे. Nice meeting. So hummus, roti, kebab, ये मेरा enjoying a wonderful Arabic dinner. ये मेरा टमाटर अनियन और ये शानिस enjoy करी अपना नॉनवेज। शानी, आज से तेरा नाम शानी। अरे मेरा पेट नेम शाना है, आई निकाल देगा ए आई का तो शाना। जो शानी है ना मैं इतना पीता था ना कतर में उसमें कि पूछो मत, आज से तेरा नाम शानी। नहीं क्यों? Who are you changing my pet name? Hello? एक ज़माना था कि दुबई में जाकर हम लोग सोना लेते थे, लेकिन अभी दुबई में वैट आने की वजह से सोना का दाम जो है इतना कि दुबई में वैट आने की वजह से अभी इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन कतर में अभी तो वैट नहीं आया है। तो यहाँ पर शानिस को मेरे को सोने का बिस्किट लेना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस क्या है। प्राइस सही रहा तो ले लेंगे। तो 2 तोले का सोने का बिस्किट आएगा 3940 कतर रियाल, सो 76,000 2 तोला प्योर 24 कैरेट गोल्ड लेना है। मेरी मम्मी को भी मैं फ़ोन करके पूछता हूँ लेने के लिए। तो मम्मी को मैंने भेज दिया है ये वाले सैंपल, देखते हैं मेरी मम्मी क्या बोलती है, मम्मी को कुछ पसंद आता है कि नहीं। मम्मी को जो भी पसंद आएगा वो लेना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर रेट काफ़ी सस्ता है। भाविन भाई का मैसेज आया, भाविन भाई बोलते हैं दुबई में सोना सस्ता है, लेकिन कंपेरेटिवली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बना के सस्ता मिल रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। शानिस तूने ले लिया? हाँ। शानिस मैडम ने खर्चे कटा लिए हैं, ये लिया तूने? ये रिंग। मेरी मम्मी ने पसंद किया ये वाला। ये वाला कितना? 2,232 कतर रियाल, दैट मींस होता है 43,000 रुपीस। माय फाइनल प्राइस। यार कितना अच्छा लगता है अपनी माँ के लिए खर्चा करने के लिए, क्योंकि घर जाके माँ गाली नहीं देगी। मेरी मम्मी बोली बहुत अच्छा बेटा और ट्रैवल करो। मेरी मम्मी ऐसा नहीं बोलती, मेरी मम्मी बोलेगी अगली बार से कुछ लेने की जरूरत नहीं। चुप चुप। मेरी माँ कभी ऐसा नहीं बोलती, मोर। देख दुबई से 2 चीज करी थी, कतर से 3, अभी दूसरे कंट्री से 4 बोलेगी। मेरी माँ बोलती है मोर प्रॉपर्टी रेदर देन मोर गोल्ड। थैंक यू सो मच। हाउ मच फॉर दिस? 449 सर। दिस इज समथिंग विच आई वॉज लुकिंग फॉर वेरी लॉन्ग। आई हैव समथिंग सिमिलर लाइक दिस, लेकिन वो खराब हो गया और बहुत ही बल्कि था, इसके लिए मुझे कभी भी पर्सनली पसंद नहीं आया। This is
9000 mAh waterproof, dustproof power bank उर्फ jump starter, इसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करके jump start भी कर सकते हो गाड़ी या मोटरसाइकिल को. टोटल 15 बार आप गाड़ी या बाइक को jump start कर सकते हो. काफी समय से मुझे चाहिए था, चाइना या हांगकांग से आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन बैटरी की चीज आप ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है. सोचा था कि जब यूएस जाऊंगा वहां से लूंगा या फिर सिंगापुर वापस जाऊंगा तब लूंगा, लेकिन अच्छी बात है कि मुझे कतर में ये मिल गया. अब से इसको मैं हमेशा अपने पास रखने वाला हूं जब भी मैं कहीं पर जाऊं, बिकॉज गाड़ी या बाइक में कभी भी आपको जंप स्टार्ट की जरूरत पड़ सकती है. एनीवेज गाइज, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. देखो बॉस, यहां तक वीडियो देख लिया है तो लाइक का बटन दबा के ही जाना है, और अगर नए हो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब हो जाना है. सो विद दैट सेट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स. मैंने काफी कमेंट पढ़े कि लोग बोल रहे कि भाई आपका लेंस गंदा है क्योंकि स्क्रीन में धब्बा आ रहा है. एक्चुअली क्या है कि मैं काफी बार अपना लेंस चेंज करता हूं, उस दौरान थोड़ा बहुत कचरा वचरा उड़ के लेंस में या फिर सेंसर में लग जाता है, जिसके कारण आप लोगों को वो दिखता है लेकिन मुझे एडिटिंग के टाइम पे और शूटिंग के टाइम पे नहीं दिखता है. तो अब सीधा मुंबई जाके अपना लेंस और सेंसर साफ कराऊंगा. कोशिश तो मैंने की अभी साफ करने की, लेकिन क्या है साफ करते करते मालूम पड़ा और कचरा चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो सॉरी गाइज, अभी फटाक से पैकिंग करके सोना क्योंकि कल जल्दी उठ के चेकआउट मार के बाहर घूमने का प्लान है, देखते हो कैसा होता है. तो शायद कल वीडियो टाइम पे नहीं आ पाए, अगर नहीं आया तो परसों आ जाएगा. मिलते हैं कल या परसों सुबह 9:30 बजे. डोंट फॉरगेट. घंटों तक बैठे रहो, आवाज सुनते रहो, सुकून. अपनी जिंदगी में और क्या करना है वो सोचते रहो, सुकून. बैठो और सोचते रहो कि क्या चाहिए, एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन. इट्स लाइक डूइंग दिस मेडिटेशन.